हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 3000 कैलोरी से स्टार्ट करने वाले हैं। 3000 कैलोरी बढ़ चुकी है हमारी, 2600 से 3000 पे आ गए, 400 कैलोरी बढ़ चुकी है अभी टोटल हमारी। और वर्कआउट में वही चेंजेस ज़्यादा नहीं रखेंगे, वर्कआउट में थोड़ा हैवी जाने की कोशिश करेंगे। और पूरी डाइट इसी के अंदर वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं क्या खाता हूँ, किस टाइम पर क्या खाने वाला हूँ, क्या क्या क्वान्टिटी रहती है, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 3000 कैलोरी के लिए आप पूरी इस वीडियो को देखें, आज का करंट वेट देख लेते हैं। 64800 आज का वेट आ रहा है। और बल्किंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे और वेट भी बढ़ाएंगे और क्वालिटी भी बढ़ानी है हमको, तो देखते रहें पूरी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, 3000 कैलोरी में फर्स्ट मील होने वाली है हमारे मिल्क, 240 ml मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स 60 ग्राम और 1 स्कूप है प्रोटीन। इन तीनों को मिक्स करके मैं प्री वर्कआउट मिल ले रहा हूँ और फिर मॉर्निंग में ही ले रहा हूँ ये, फिर इसके बाद वर्कआउट करने जाएंगे हम। तो पूरी वीडियो को देखते रहें आगे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिम पहुंच चुके हैं और हमारे कॉर्नफ्लेक्स खाने के बाद और जिम वर्कआउट करने से पहले मैं प्री वर्कआउट पीने वाला हूँ थोड़ा हैवी के लिए। और फिटनेस शेकर के अंदर 100 ml पानी ले लूँगा, उसके बाद प्री वर्कआउट डाल के पी के वर्कआउट स्टार्ट कर दें। तो वर्कआउट देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी बेंच प्रेस। इसके अंदर आपको 4 सेट 8-8 रेपिटेशन की करने हैं और वेट आप धीरे धीरे कोशिश करें बढ़ाते रहें और वेट ऐसा लें जो स्टार्टिंग में ही आपको हैवी से आगे तक ले जाने में हेल्प करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी जाती है इंक्लाइन बेंच प्रेस, और इसके अंदर भी आप धीरे धीरे बढ़ाते रहें। इसके भी हम 4 सेट 8-8 रेपिटेशन के करने वाले हैं। हाँ, फिर आ जाते हैं हम शोल्डर पे। शोल्डर में हम ले रहे हैं ओवर हेड प्रेस मार्बल पे। इनमें सीटेड कर रहा हूँ मैं, बैठ के कर रहा हूँ, आप स्टैंडिंग भी कर सकते हैं तो मार्बल प्रेस कर सकते हैं। फिर शोल्डर में हम कर रहे हैं लैटरल रेस। इसके भी आपको करीबन 6 सेट करने हैं और रिपीटेशन आपको 12 रखनी है। फिर आ जाते हैं हमारे फैस पुल। फैस पुल के अंदर हमें 4 सेट 10 रिपीटेशन के करने हैं। फिर आ जाते हैं हम ट्राइसेप पे। ट्राइसेप के अंदर हम कर रहे हैं रॉप के ऊपर एक्सटेंशन, केबल एक्सटेंशन। इसके 4 सेट 8 से 10 रेपिटेशन। फिर पोली पुश डाउन ट्राइसेप में, इसके हम 10 रेपिटेशन करेंगे 4 सेट के। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। वर्कआउट हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, उसके बाद हम आगे की डाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। आज हमने चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप करा और काफ्स के भी एक एक्सरसाइज कर ली है। और उसके बाद में 1 स्कूप वे प्रोटीन और उसके अंदर 3 ग्राम ग्रेटिन मिक्स है और 200 ml पानी के अंदर। तो वर्कआउट के बाद में 1 स्कूप वे प्रोटीन पीने के बाद अब नेक्स्ट डाइट के ऊपर चल रहे हैं। अब हम मील की प्रिपरेशन करेंगे जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हो जाएगा। प्याज काट लिए, गोभी काट लिए, मिर्ची काट लिए, टमाटर काट लिए, खीरा करके काट ली है और शिमला मिर्ची काट ली है। और भी आप जो डालना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप काट लें। अब हम सब मेज़र कर लेते हैं। 20 ग्राम वही हमारा घी रहने वाला है, मैं देसी घी यूज़ करने वाला हूँ। नेट क्वांटिटी मेरी 20 ग्राम रहेगी। उसकी कैलोरी, फैट, प्रोटीन का आप सब आपको स्क्रीन पे आ ही रहा है, तो आप वहाँ से पॉज करके देख सकते हैं कि कितना क्या रहता है। और उसके बाद हम सब एक बार पहले मेज़र कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से चलेगा। अब हम लेने वाले ब्रेकफास्ट बनाने के लिए 8 ब्रेड, जिसमें 2 सैंडविच बनेगा 4-4 ब्रेड का। तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, मैं वाइट ब्रेड ले रहा हूँ। अब हम डिनर और लंच के लिए मेज़र कर लेते हैं। दाल ले लेंगे हम 50 ग्राम और सोया चंक्स ले लेंगे 50 ग्राम। ये दोनों क्वांटिटी 50-50 ग्राम लेनी है आपको। इसके अंदर ही मैं गोभी डाल दूंगा, मटर डाल दूंगा, जो मेरे को ऐसी चीज़ें डालनी है, ग्रीन वेजेस वगैरह वो डाल दूंगा और सब्जी बनवा लूँगा। अब हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हमने सैंडविच मेकर ले लिया। सैंडविच के लिए हम सबसे पहले उसके ऊपर घी लगाते हैं। घी वही यूज़ करना है जो हमने मेज़र कर लिया था, 20 ग्राम जो हमने घी लिया था उसी से हमको लंच भी बनाना है। अगर ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी घी से बनाना है और डिनर भी इसी से बनाना है, लंच भी इसी से बनाना है। तो आप उसी क्वांटिटी के साथ चलें कि 20 ग्राम के अंदर आपका सारा काम हो जाए। तो मैंने ऐसा करा है कि 20 ग्राम को थोड़ा सा ब्रश से सैंडविच मेकर पर लगा दिया ताकि वो चिपके ना।
उसके बाद हम सैंडविच बना लेंगे। ये पेरी पेरी मसाला है, और अगर आप चाहे दूसरा मसाला भी डाल सकते हैं, चाट मसाला, गरम मसाला, जो भी आपको डालना चाहते हैं टेस्ट के लिए वो डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम काला नमक, रॉक सॉल्ट और काली मिर्ची यूज़ करेंगे। यह हमारा सैंडविच बनके तैयार है और हम इसको ब्रेकफास्ट के अंदर खाएंगे। अब हम ले रहे हैं 6 अंडे, मैं इनको बॉईल करके खाने वाला हूँ। अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो उसी घी में आपको ऑमलेट बनाना है, तो मैं 6 अंडे बॉईल कर लूँगा। लंच और डिनर हमने बनवा लिया है। अब लंच के अंदर मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी रखूँगा और डिनर में थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखूँगा सब्जी की। और वैसे ही हम आटे का भी ऐसे ही रखेंगे या फिर राइस ले रहे तो उसका भी ऐसे ही रखेंगे, कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी हम लंच में ले लेंगे, थोड़ी सी कम क्वांटिटी डिनर में लेंगे। आप जैसा चाहें वैसा स्विच कर सकते हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ। अब लंच में खा रहा हूँ, लंच के अंदर मैंने 4 रोटी बनवा ली है। और रोटी जो आटा रहेगा हमारा वो 250 ग्राम रहेगा, और 3 बनाना खाने हैं। इस वीडियो में आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन 3 क्वांटिटी आपको खानी है। एक मैं मॉर्निंग में खा चुका हूँ और 2 अब खा लूँगा। उसके बाद हमारा एग वाइट्स आ जाते हैं, जो हमने बॉईल करे थे वो एग वाइट्स खाने हैं 6। आप कभी भी इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं। फिर उसके बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन, अगेन टोटल हमारे 3 स्कूप हो चुके हैं अभी तक। और लास्ट जो हमारा बचा है वो है डिनर। डिनर के अंदर जो सब्जी बची थी वो और 2 रोटी लास्ट की जो बच रही है, हम वो खा के फिनिश करेंगे आज की डाइट। तो ऐसे हमारी 3000 कैलोरी डन हो जाती है, और ये पूरी बल्किंग डाइट है। आप इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप इसका ये यूँ ना सोचे कि आपको एकदम से बल्क हो जाएगा और अच्छा वर्कआउट करें। बाय फ्रेंड्स।